चरक संहिता चिकित्सा स्थानम अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा सूत्र। प्रथम उपचार लंघन चिकित्सा। अगर हम तरुण ज्वर के बारे में बात करें तो उसकी चिकित्सा में पाचन और जल प्रयोग बताया गया है, षडंग पानी का प्रयोग और कषाय व वमन जो है वो निषेध है, आम दोष निरहरण कष्टकारक बताया गया है। ज्वर की चिकित्सा सूत्र में अगर हम आगे बढ़ें तो वमन उपचार सबसे पहले बताया गया है, उसके बाद बताया है यवागु प्रयोग जो कि 10 प्रकार के हैं, उसके बाद तर्पण का प्रयोग बताया गया है, दंत धावन और कषाय प्रयोग, घृतपान का भी प्रयोग बताया गया है, मांसरस प्रयोग, उसके बाद दुग्धपान का प्रयोग, उसके बाद विरेचन, उसके बाद निरूबस्ती। जैसे कि हमने देखा कि तरुण ज्वर में पाचन, जल प्रयोग और षडंग पानी का प्रयोग था, उसी तरीके से जीर्ण ज्वर में अनुवासन बस्ती, नस्य प्रयोग और बाह्य उपचार जैसे कि मालिश, उपटन और जल अवगाहन का प्रयोग, धूपन, पेय, यूष, शाक का प्रयोग बताया गया है ज्वर चिकित्सा सूत्र में। अगर हम कषाय की बात करें तो हम उसको याद कर सकते हैं VMJ TBS। कषाय प्रयोग में सबसे पहले VMJ TBS, वी वत्सकादि, एम मधुकादि, जे जात्यादि, टी त्रिफलादि, बी बृहत्यादि, एस शट्यादि। वत्सकादि, मधुकादि, जात्यादि, त्रिफलादि, बृहत्यादि, शट्यादि कषायों का प्रयोग। घृत की बात करें तो उसमें याद किया जा सकता है PVB, घृत के प्रयोग में PVB, पी पिपल्यादि, वी वत्सकादि, बी बलादि। पिपल्यादि, वत्सकादि और बलादि घृत का प्रयोग। उसके बाद दुग्ध प्रयोग आता है, दुग्ध में हम याद कर सकते हैं पातन, PATAN, पी स्टैंड्स फॉर पंचमूल दुग्ध, ए एरंड मूल दुग्ध, टी ए त्रिकंटकादि दुग्ध, एन नागरादि दुग्ध। पंचमूल, एरंड मूल, त्रिकंटकादि, नागरादि दुग्ध का प्रयोग। उसके बाद निरूबस्ती की हम बात करें तो हम याद कर सकते हैं उसको पग पी ए जी, पी पटोल मूल आदि, ए आरगवदादि, जी गुड़ुच्यादि। निरूबस्ती में पग पी ए जी, पटोल मूल आदि, आरगवदादि, गुड़ुच्यादि। अनुवासन बस्ती में अगर हम देखें तो जे पी सी, जे स्टैंड्स फॉर जीवंत्यादि, पी पटोलाद्य, सी चंदनाद्य। अनुवासन बस्ती जीवंत्यादि, पटोलाद्य और चंदनाद्य। तेल अगर हम देखें तो चंदनादि तेल का सबसे ज्यादा प्रयोग है। बस्ती का प्रयोग, नस्य का प्रयोग, अंजन के प्रयोग में बहुत इंपॉर्टेंट है, SPKMT। सेंधा नमक, पिपली के कर्ण और मैंसिल सब बराबर लेकर तिल के तेल में घोलकर आंखों में अंजन करें, SPKMT। सेंधा नमक, पीपर के कर्ण और मैंसिल सब बराबर लेकर तिल के तेल में घोलकर आंखों में अंजन करें। इसके अलावा धूप का प्रयोग और देव व्यापाशय चिकित्सा। एक बार और हम ज्वर चिकित्सा सूत्र शुरुआत से देखेंगे। प्रथम उपचार हमेशा रहेगा लंघन, उसके बाद वमन, यवागु प्रयोग, तर्पण, दंत धावन, कषाय प्रयोग, घृतपान, मांसरस प्रयोग, दुग्धपान, विरेचन, निरू। दुग्धपान, विरेचन, निरू। धूपन, पेय, यूष, शाक, कषाय VMJ TBS, घृत PVB, दुग्ध पतन,
निरु पग अनुवासन जेपीसी तेल चंदन आदि। विषम ज्वर नाशक प्रयोग में त्रिफलापान और हरीत की सेवन बताया गया है। तरुण ज्वर में पाचन जल प्रयोग षडंग पानी का प्रयोग बताया गया है। कषाय व वमन का निषेध किया गया है। जीर्ण ज्वर में अनुवासन नस्य और बाह्य उपचार जिसमें मालिश उपटन और जलावकान का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा बस्ती प्रयोग नस्य अंजन धूप और देव व्यापार चिकित्सा जो कि अंतिम चरण में आते हैं अंजन में SPKMT प्रयोग। तो ये था ज्वर चिकित्सा सूत्र।